गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपको और राधारानी फ्री ट्यूशन में आपको स्वागत है बेटा। और आप देखिए वर्कशीट नंबर 25। जरूर बच्चे ने कल से बोल रहे हैं कि सर वर्कशीट नंबर 25 बेटा जब मेरे पास नहीं आएगा मैं कहाँ से दूँ, तो मैं आज तैयार करके आपको दे रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके पूरा मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, वो जरूर देखना। और जो बच्चे देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उतारना ही चाहते हैं, उनसे मतलब सिर्फ उतारना है, वो भी इसमें मैं डाल रहा हूँ। आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और अगर ओरिजिन से लेना है तो उसका आपका होता है क्या, x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। दो चीजें डिस्टेंस फॉर्मूला के सवाल इसमें दे रखा है, वो ध्यान देना। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होती है वो आपका 0 0 होता है। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होती है वो x 0, वाई एक्सिस का जो होता है 0 y, ठीक है। और अब एक बात और ध्यान देना बेटा, और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों आना है। एक्स एक्सिस में जो एब्सिसा होती है और वाई में जो होती है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो जैसे आपको दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉन एज ऑर्डिनेट, कहाँ से हो जाएगा, दे रखा है बेटा एब्सिसा दे रखा है, तो रॉन्ग है। वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, गलत है ये फॉल्स है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड, बेटा लेफ्ट में माइनस होता है राइट में प्लस होती है, तो लेफ्ट में -4 0 होगा पर 4 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है ना बेटा, ये दोनों ही आपको फॉल्स दे रखा है, मैं आंसर में आपको दे रखा है, आप समझ जाना। जैसे दोनों दोनों पॉइंट दे रखा है, उसके बीच में डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उसी प्रकार के मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो बराबर बेटा, ठीक है। और आपको अगर समझना है तो बेटा मैंने आपको बताया कि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, वो देखना। उसमें ओरिजिन में 0 0 लिखा, लेकिन मैं 1 1 बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर इट बेटा, होता है कभी कभी तो। लेकिन आप इसके अलावा सारे चैप्टर्स में समझाया शॉर्टकट में, आप देख सकते हो बेटा। मैं आपको बहुत सारे बच्चे का था कि सर लिंक डिस्क्रिप्शन में भेजिए, वो भी मैं आपको डाल रहा हूँ, साथ साथ जो मैंने समझाया वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आएगा। ये देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको समझा दूँ, आप देख लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉन एज ऑर्डिनेट, गलत है बेटा, उसको एब्सिसा बोला जाता है, और वाई के लिए ऑर्डिनेट होता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस 4 यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन आर 4 0, गलत बेटा, -4 0 होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, दोनों के बीच में डिस्टेंस x1 y1 and x2 y2, फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 यूनिट लगा दोगे। ये x² प्लस y² का स्क्वायर रूट 36 प्लस 1 37 का स्क्वायर रूट, ये आपका हो गया 100 का स्क्वायर रूट। ये पूरा स्क्वायर रूट यहाँ से यहाँ तक है बेटा, पूरा दे देना, तो ये 10 यूनिट है। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन है, फिर भी मैंने आपको करा दिया, आप देख सकते हो। पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 10 दे रखा है, मैं बेटा इधर भी स्क्वायर करूंगा इधर भी स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करते स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आपका ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट गया, तो आप मैंने उसको सॉल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, x² प्लस 2ab प्लस b² उसके बाद मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके मैंने सॉल्यूशन निकाला है y = 3 एंड y = -9। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y हो गया 3 एंड -9। तो इस उम्मीद के साथ बेटा वीडियो मैंने आपको डालता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझिए और लिखे, जरूर आप उसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन है आपको, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसको मैंने समझाया उसके लिंक आपको दे दिया जाएगा। टेक केयर बेटा, बाय बेटा।